हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन लॉक करने हैं तो कैसे करेंगे। अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो इसमें आपको ये फीचर देखने के लिए नहीं मिलता है, ऐप लॉक कैसे करना है। आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो आपको लॉक करने होते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, इसी वीडियो में आपको बताएंगे अपने एप्लीकेशन को कैसे लॉक करना है। आपके फ़ोन के अंदर ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो आपको लॉक करने होते हैं, तो चलिए गाइस बताते हैं आपको। वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको आपको ऐप लॉक लगाने में कोई दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमने अपने फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन का नाम है ऐप लॉक प्रो, जो कि आपको प्ले स्टोर पर देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले इसे डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। इसे जो परमिशन मांगता है वो एग्री दे देंगे। एग्री करने के बाद इसे आपको और अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद गेटेड पर जाएंगे। गेटेड पर आने के बाद जो परमिशन जो मांगता है यहाँ से आप उसे एक्सेस कर देंगे। एक्सेस करने के बाद यहाँ से आपको पूछ रहा है हाइड पिक्चर करनी है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर नहीं करनी है तो यहाँ से आप स्किप कर देंगे। अगर कोई फोटो वीडियो हाइड करनी है वो यहाँ से आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो हम फिलहाल के लिए स्किप कर देना, आपको स्किप करना है, हमें अपने एप्लीकेशन लॉक करने हैं। सेकेंड मिल जाता है आपको फोटो वीडियो हाइड करने हैं, वो आपकी वीडियोज़ मिल जाती हैं जो भी आप कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे स्किप कर देते हैं। उसके बाद देन आपको ऑप्शन दो मिल जाता है ऐप लॉक का। जो भी ऐप लॉक आपको करने हैं वो यहाँ से आप देखने के से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करने हैं तो यहाँ से आप इन्हें अनटिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से जो भी आपको करने हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से हम फिलहाल अपने फ़ोन के अंदर कोई एक एप्लीकेशन लॉक कर देते हैं, जो कि आपको देखने को मिल जाता है क्रोम ब्राउज़र। और आगे बढ़ जाते हैं, हम स्किप कर देते हैं। यहाँ से आपको स्किप करने के बाद इसका कोई भी पासवर्ड अपना सेट कर लेंगे। जो भी पासवर्ड आपको सेट करना है वो पासवर्ड आप यहाँ से अपना सेट करेंगे। एक बार इसे कन्फर्म करेंगे। यहाँ से हम कंफर्म करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ये मांगता है इनेबल नाउ। इनेबल नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। गेट इट पे जाएंगे, अब इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐप लॉक प्रो, इसे ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद इनेबल द परमिशन पे क्लिक करेंगे। अब इसे आपको परमिशन भी दे देनी है यहाँ से, तो यहाँ मिल जाएगा, इसे को परमिशन भी ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद अब आपके सारे एप्लीकेशन ओपन हो जाती हैं। अब यहाँ से आपको जो भी लॉक करना है, जैसे यहाँ से अपना क्रोम ब्राउजर हम लॉक कर देते हैं, और भी कोई एप्लीकेशन जो यहाँ से लॉक करना है आपको, जैसे हम प्ले स्टोर भी लॉक कर देते हैं। तो यहाँ से हमने अपने फ़ोन के अंदर ये दो एप्लीकेशन लॉक कर दिए हैं। तो चलिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और आपको चेक करा देते हैं हमने जो एप्लीकेशन लॉक किए वो हमारे लॉक हुए या नहीं हुए। तो हमने क्रोम ब्राउजर लॉक किया था, तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर क्रोम ब्राउजर लॉक हो चुका है। तो इस प्रकार से आप कोई भी अपने एप्लीकेशन पर लॉक लगा सकते हैं। क्रोम ब्राउजर जब आप लॉक को डाल दिए और ना कर सकते हैं, जो भी आपने लॉक सेट किया उसे डालने के बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने प्ले स्टोर भी लॉक किया था, जो भी हमारा लॉक हो चुका है। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप अपने एप्लीकेशन को लॉक कर सकती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।